नमस्कार, मैं हूँ रजनीश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूके तेज। आज एफटीए के अधिकारियों के द्वारा तगड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में आज फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी की टीम ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 क्विंटल नकली पनीर को बरामद किया है। आप देख सकते हैं फुटेज में सामने की एक कार से इस नकली पनीर की खेप को निकालकर जेसीबी में डाला जा रहा है। इस जेसीबी मशीन की सहायता से इस नकली पनीर की खेप को नष्ट किया गया है। दरअसल चार धाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा के मार्ग पर हाइजेनिक फूड उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के द्वारा दिए गए आदेश पर एफडीए की टीम हरकत में आई और आज 2 टीम बनाकर ये नकली पनीर की टीम के खेप को ये टीम के द्वारा पकड़ा गया है, बरामद किया गया है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि एक मिल्क वैन को ये रोका गया है जिसके द्वारा ये खेप लाई जा रही थी देहरादून में। और गौरतलब बात यह है कि इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों के द्वारा यह जानकारी भी दी गई है कि इस नकली पनीर को, मिलावटी पनीर को किस प्रकार से रिफाइंड तेल, अरारोट और अन्य सामग्री की सहायता से बनाया जाता है। और बाकायदा उन्होंने नाम भी बताया कि एक इरशाद नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के रामपुर मनियारन से यह नकली पनीर उनकी दुकान पर लाया गया था और जिसे आगे सस्ते दामों पर ढाबों, रेस्टोरेंट इत्यादि में देहरादून और मसूरी में बेचा जाना था। अब एफडीए के अधिकारियों के द्वारा इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि ऐसे कौन से कैटरर्स हैं, ऐसे कौन से ढाबे और रेस्टोरेंट हैं जो इस मिलावटी पनीर को अपने ग्राहकों को परोसते हैं और बेचते हैं। अब एफडीए का अगला कदम उन्हें चिन्हित करने का है। आज एफडीए अधिकारियों के द्वारा इन मावे और पनीर के कई सारे सैंपल इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें टेस्ट के लिए रुद्रपुर की लैब को भेजा गया है। Yeah.